सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार डिश बना रहे हैं, वो है झींगा बिरयानी। प्राउन्स बिरयानी बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही टेस्टी है। इसको बनाते हैं और इसको बनाते के साथ साथ मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स भी बता दूँगी। जैसे कि आपको नज़र ही आ रहा है, फ्राइड अनियन है, हाफ के जी प्राउन्स ले लिए हैं मैंने, 5 टेबल स्पून दही है, 2 बड़े टमाटो की प्यूरी निकाल ली है, साबित गरम मसाला है जो कि ये अखनी के लिए है और ये अदहन के लिए यानी पानी के लिए, चावलों के लिए है, उनको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया है। इसमें एक बादियान का फूल है, तेज़पात है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, एक बड़ा दाल टुकड़ा जो है वो सिनेमन का है, थोड़ा सा ज़ीरा है, 8-10 काली मिर्चें हैं, इसी तरह इसमें हरी मिर्चें हैं 3 अदद, 1 इलायची है बड़ी, 1 इलायची छोटी है, 3 लौंगे हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्ची है और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये हम चावलों में डालेंगे और ये हम जो इसका मसाला बनाएंगे उसमें डालेंगे। लाल मिर्ची है 2 टेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने ली है और ये 1 टी स्पून ली है हल्दी। उसके साथ जो फर्दर चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। करेंगे 2 कप मैंने चावल जो है उनको, बासमती चावल है, उन्हें धो के भिगा लिया है, पानी रखा है, उसके साथ हम नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है पानी में। उसके साथ मैं साबित गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है वो डाल देंगे, जिसमें हरी मिर्चें भी हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक कि हमारा पानी बॉईल होगा और हम इसमें चावल अपने डालेंगे जब तक हम अपने अखनी तैयार कर लेंगे। तेल डालेंगे, 3 बड़े चमचे मैंने इसके अंदर तेल डाला है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन है भर के। अदरक लहसुन हमारा बहुत अच्छे तरीके से सौते हो गया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं फ्राइड अनियन, हाफ इसमें अभी डालूंगी और हाफ में दम के लिए रखूंगी। साथ में हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, ब्राउन डालेंगे हम, साथ में हम डाल देंगे दही और उसके साथ हम डाल लहसुन करेंगे मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, सारा साबित गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसमें हम नमक और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इस वक्त शामिल नहीं करेंगे। जब ये हमारी थोड़ी सी भून जाएगी अच्छी तरीके से उसके बाद हम इसमें नमक और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। साबित तो अभी हमने डाल दिया, बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। कवर कर देंगे और कवर करके इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। गरम हो गया है, इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल हमने 2 कप लिए थे भर के, चावल हमने 2 कप भर के लिए थे जिसको मैंने भिगा के रखा था आधा घंटा, बासमती चावल है। बस इसमें 1 कनी रह जाएंगे, हम इसे पिथार लेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं और ये हमारी बेहतरीन सी अखनी रेडी हो गई है। बेहतरीन सी अखनी हमारी रेडी हो गई है, मसाला अच्छा सा हमारा भुन रहा है। बस अब हम इस स्टेज में हम डालेंगे नमक। प्राउन्स को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है क्योंकि ओवर कुक होने की वजह से वो एकदम रबर की तरह सख्त हो जाते हैं, ठीक है, और इसलिए उनको ओवर कुक नहीं किया जाता। 5 मिनट बहुत है। नमक डाला है हमने 2 टेस्ट और गरम मसाला 1 टीस्पून भर के डाला है। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा पुदीना, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी अदरक जुलियन कटी हुई,
उसके साथ डलेगा मजेदार सा लेमन जूस। और ये हमारी बेहतरीन सी यखनी तैयार हो गई है, मजेदार चटपटी सी बिल्कुल रेडी है। बस अब हम चावलों पे इसको दम लगाएंगे चावलों के साथ, और ये हमारी मजेदार सी छोला बिरयानी तैयार है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मजेदार होती है। बस 2 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि इसका ऑयल पूरा ऊपर आ जाए, और फिर हम इसको कवर करके रखेंगे और 2 मिनट बाद हम इसे उतार लेंगे। हमारे हो गए हैं, हाथ पे लेके देखिएगा, अंदर से जरा सा हल्का सा कच्चा आ रहा है। बस ये आपके चावल रेडी हैं, आप इसको निखार लीजिए। लगाएंगे, सबसे पहले हम चावल बिछाएंगे। देखिए हमारा चावल कितना बेहतरीन शानदार और खिला खिला सा है। इंशाल्लाह दम होने के बाद भी इसी तरह ये खिला खिला होगा। थोड़ी सी कसर है क्योंकि दम में पूरी होगी। साथ में हम अपना बेहतरीन सा चटपटा मसाला लगाएंगे। बहुत टेस्टी है, धमाकेदार मसाला तैयार हुआ है हमारा। 15 मिनट्स में आप अपने गेस्ट को एक बेहतरीन बिरयानी बना के खिला सकते हैं। बस इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, फ्राइड अनियन, थोड़ा धनिया पुदीना, उसके ऊपर हम बाकी चावल डालेंगे। जर्दे का रंग डालेंगे, मैंने नींबू लेमन जूस डालेंगे, फ्राइड अनियन, धनिया पुदीना और जूलियन कटी हुई अदरक ये डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी आप जो भी डालना चाहें वो डालेंगे, और हम इसको रख देंगे अब दम पर। बिरयानी दम पे रख दिए हमने, अब हम जब दम होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बेहतरीन से बिरयानी दम हो गई है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। वाओ, देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन, बहुत टेस्टी है, मसाले एकदम परफेक्ट है, प्राउन्स ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, बहुत ही डिलिशियस है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम अपना मील इंजॉय करते हैं, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।